श्री हरिदास। मैं श्री जी दासी आप सभी के समक्ष श्री राका वाका जी का चरित्र गाऊं, उससे पूर्व श्री हरि से मेरी क्षमा याचना है कि मुझ में इतना सामर्थ्य तो नहीं कि मैं श्री हरि के भक्तों का चरित्र गान कर सकूं, किंतु श्री जी की कृपा से कुछ असंभव ही नहीं। ना मैं करता ना करी सकूं, साहिब करता मोर, करत करावत आप है पलटू पलटू शोर। आज श्री नाभादास जी द्वारा कृत श्री भक्तमाल से श्री भक्त राका वांका जी के चरित्र का गान करने का सौभाग्य हमारे श्री जी ने हमें प्रदान किया, तो सर्वप्रथम हमारी गुरु माँ के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम एवं वो श्री जी चरित्र गायन में कृपा करें। भक्त श्री राका जी पति थे और भक्तमती श्री बांका जी उनकी पत्नी थी। ये दोनों भागवत पति पत्नी पंडरपुर में निवास करते थे। इन दोनों के हृदय में सिवा भगवान के कुछ और चाह नहीं थी। इनकी रीति रहनी कुछ विलक्षण ही थी। जंगल से लकड़ियां बीन कर लाते और उन्हीं को बेचकर अपनी नित्य नवीन जीविका करते थे। हृदय में भगवान के स्वरूप का ध्यान करते थे एवं भगवत ध्यान में ही इनका जीवन था। एक बार भक्तवर श्री नामदेव जी ने भगवान श्री कृष्ण से विनती की कि भक्त राका वाका की गरीबी का दुख दूर कीजिए। भगवान ने कहा, मैंने बहुत उपायों से इन्हें देना चाहा, परंतु ये लेते ही नहीं। यदि नहीं मानो तो मेरे संग चलो, मैं इनकी निष्कामता दिखलाऊं। फिर तो भगवान ने मार्ग में एक स्वर्ण मुहरों से भरी थैली डाल दी और स्वयं तथा श्री नामदेव जी दोनों जंगल में छिप गए। इतने में श्री राका वांका जी पति पत्नी दोनों उसी मार्ग से आए। आगे आगे पति श्री राका जी थे और पीछे पीछे उनकी पत्नी श्री वांका जी थी। एकाएक श्री राका जी ने मार्ग में पड़ी हुई संपत्ति अर्थात मोहरों से भरी हुई थैली देखी। देखकर विचार किया कि मेरी पत्नी स्त्री जाति है, वैसे यद्यपि निष्काम है, फिर भी कभी कभी दृष्टिपथ में आने पर लौकिक वस्तुओं में भी मन चलायमान हो जाता है। अतः उन्होंने शीघ्रतापूर्वक उस थैली पर धूल डाल दी। श्री बांका जी ने पति से पूछा, अजी आपने यहाँ पृथ्वी पर झुककर क्या किया? तब राका जी ने सत्यवाद बता दी। तब श्री बांका जी ने कहा, पराया धन मिट्टी के समान है, अभी आपके मन में धन का ज्ञान बना ही है। यह सुनकर श्री राका जी बोले, लोग मुझे राका और तुम्हें बांका कहते हैं, सो सत्य ही है। मैं राका अर्थात रंक हूँ और तुम बांका अर्थात श्रेष्ठ मुझसे बढ़कर हो। यह बात मुझे आज देख ली। इनकी ये बात सुनकर भगवान श्री नामदेव जी से बोले, देखो हमारी बात सत्य हुई, ये दोनों धन के प्रति कितने निष्प्रह हैं। भगवान की जीत हुई, श्री नामदेव जी हार गए। फिर भगवान ने एक और बात कही कि यदि तुम्हारे मन में विशेष परिताप है कि श्री राका वांका जी की सहायता करनी ही चाहिए, तो चलो इनके लिए लकड़ी बटोरें। फिर श्री भगवान और श्री नामदेव जी ने लकड़ियां बटोरें। तदुपरांत श्री राका और बांका लकड़ी बीनने आए तो जहां तहां लकड़ियों का ढेर देखा तो विचार किए कि हमसे पहले ही कोई बटोर गया है। तो इनका मन ऐसा भयभीत हुआ कि दो लकड़ियां भी एक जगह होती तो उन्हें हाथ से नहीं छूते। तब तो भगवान श्री श्याम सुंदर ने प्रकट होकर दर्शन दिए। श्री राका वांका जी श्री ठाकुर जी को घर लेवा लाए। भगवान ने संग श्री नामदेव जी को देखकर श्री राका जी झुंझलाकर कहा, अरे मूड फोरा, श्री प्रभु को इस प्रकार वन वन भटकाया जाता है क्या? भगवान ने राका जी से कुछ मांगने का अनुरोध किया। तब वे हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे कि मुझे आपकी कृपा के सिवा कुछ और नहीं चाहिए। तब श्री नामदेव जी ने हाथ जोड़कर कहा कि अच्छा
और कुछ नहीं तो प्रभु रुख रखते हुए प्रभु का एक प्रसादी वस्त्र शरीर पर धारण कर लीजिए। यद्यपि इतने से भी श्री राका वाका जी को लगा कि मेरे सिर पर भारी बोझ पड़ गया, परंतु उन्होंने नामदेव और भगवान की रुचि रखने के लिए वस्त्र मात्र स्वीकार कर लिया। जय श्री राधे।